गाइस वेलकम टू दिस अनदर वीडियो, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग ओपन लॉस एक्सेप्शन क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल हमारे सिनेप्स पूल में। क्या करूंगा मैं, डेटा टाइप में जाऊंगा। ओपन लॉस फंक्शन सेट फंक्शन जो होता है वो हमको अलाउ करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं डेटा को क्वेरी कर सकता हूं। हम तो फाइल वाला ब्लॉक स्टोरेज में फाइल है तो उससे मैं डेटा को क्वेरी कर सकता हूँ, या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स है उसके हेल्प से उससे मेरे डेटा को क्वेरी करना है तो मैं आराम से क्वेरी कर सकता हूँ। ओपन लॉस फंक्शन कैन बी रेफरेंस इन द फॉर्म क्लॉज ऑफ अ क्वेरी एज इफ इट वेयर अ टेबल नेम ओपन लॉस सेट। इट सपोर्ट बल्क ऑपरेशन थ्रू अ बल्क इन बिल्ट इन बल्क प्रोवाइडर दैट इनहैबिट्स डेटा फ्रॉम अ फाइल टू रीड एंड रिटर्न अदर। अरे कहना क्या चाहते हो, ये तो पता चल गया आपको, ये डेफिनेशन है जो आपको इंटरव्यू में बोलनी है, पर मैं एक्सप्लेनेशन तो बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ओपन लॉस सेट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कोई भी डेटा को मैं यहाँ पे आपको क्वेरी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पॉज है, ये पॉज करके रखा है मैंने अभी, तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मीट एमबी वाले में, तारक वाले में जाता हूँ। ये हमारा कंटेनर, इसके अंदर मैं कुछ भी एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँ, थोड़ा टाइम ले रहा, न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, क्या करता हूँ, बबीता, बबीता नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम ले रहा, फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसमें एक चीज फाइल अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पे एक फाइल अपलोड करूंगा, तो लेट मी अपलोड अ फाइल हेयर, ओके। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, टीवी स्टार की फाइल क्रिएट करूंगा और अपलोड करूंगा इसको मैं। आपको क्या सेट करना है, ओपन रो सेट, अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे गूगल में, आपको बता दूंगा, आपको ऑलरेडी मैंने कवर किया ओपन रो सेट, पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, ओपन रो सेट सिनेप्स। अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ मेरे को दिखा देगा हाउ टू यूज ओपन रो सेट, यहाँ पे इसके बारे में दिखा देगा, डेटा सोर्स के यहाँ पे इस तरह से क्वेरी करना है, सिंटैक्स दिखा देगा, ये मैं फॉर्मेट पार्केट या डेल्टा टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। ये हमारा डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स क्या होता है, ये हमारा सीएसवी फाइल होती है, ठीक है। डेटा सोर्स यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ पे फील्ड डेलिमिटर मेंटेन कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू सिक्वल स्क्रिप्ट सेलेक्ट टॉप 100 रो। अगर मैं इसको साइड में करूँ और इसको हटा दूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा देखो फोल्डर का नाम, उसके अंदर ये हमारा कंटेनर का नाम, फिर ये सब ये दिखा रहा है। तो अगर मैं डाटा सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ कुछ ऐसा, तो उस केस में ये आपको ये पाथ लेना पड़ेगा और उसके बाद डेटा सोर्स में मेंटेन करना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है हेडर टू, मुझे हेडर टू भी डालना है, तो मैं हेडर टू भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, हेडर रो, ये क्या करूँगा मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, अब मैं रन करूँ इसको, बिल्टिन का यूज़ कर रहा है, ये टाइम ले रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, मेरे को ये डेटा दिखा दिया, ठीक है, डेटा दिखा दिया, आशी दिखाया, हिबा दिखाया, सीपी दिखाया, रोहित दिखाया, ये मेरा डेटा इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। डेलिमिटर भी ये हिसाब से ले रहा है, डेलिमिटर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप मैं यहाँ पे बल्क ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो, जैसे यहाँ पे फील्ड डेलिमिटर डाल सकता हूँ जितना मेरे को डालना है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन कीप इट समथिंग लाइक फील्ड डेलिमिटर, अगर मुझे कुछ ऐसे डालना है कैरेक्टर, मतलब डंडा या फिर स्ट्रिंग डेलिमिटर, रोल डेलिमिटर, दैट काइंड ऑफ स्टफ, आई कैन डू दैट इजिली कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज मुझे दिखानी थी यहाँ पे पार्केट फाइल के लिए या फिर कोई फाइल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक कुछ ऐसा एक्सटर्नल रिसोर्स है जिसको मेरे पास यहाँ पे परमिशन नहीं है ये चीज को रन करने के लिए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ओपन, मतलब ओपन क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स क्रिएट करके कर सकता हूँ, अदर थिंग वो ऑप्शन पर आपको इस तरह से ही करना है। तो आपको क्या करना, मैं एक्सेस कंट्रोलर कंट्रोल में जाऊंगा, इन द यहाँ पे छोटे से अकाउंट के एक्सेस कंट्रोलर में, ऐड रिसोर्स यहाँ पे सर्च बाय ईमेल एड्रेस में से कर सकता हूँ, जो हमारा सिनेप्स का, अगर मैं जाऊँ मीत अम्बी का, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड रोल असाइनमेंट कर सकता हूँ, तो मेरा स्पेसिफिक यूजर्स को यहाँ पे मेरे को एक रोल देना पड़ेगा, ब्लॉब स्टोरेज कंट्रीब्यूटर आप दे सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज ओनर, ये ब्लॉब स्टोरेज कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मेंबर का नाम डालूंगा, ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट मेंबर्स करूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो मुझे उस मेंबर का नाम डालना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जिस भी ये एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर का नाम डालना है वो डाल दूंगा, वो डालने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे असाइन करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं असाइन कर सकता हूँ और फिर इजीली वो बंदा रन भी कर सकता है ये क्वेरी को। अगर इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको और चीज दिखाऊं, मैं यहाँ पे एज रिजल्ट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे विथ का ऑप्शन डाल सकता हूँ,
विथ में डाल के मैं स्पेसिफिक, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम नेम और सैलरी फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं वो कॉलम को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर आईडी भी ले लेता हूँ। आईडी मैं इंटीजर लूंगा, नेम लूंगा, और मैं फॉर एग्जांपल सैलरी नहीं लेता हूँ, मैं नेम और आईडी और नेम डाल देता हूँ। ये चीज़ को मैं, अगर मेरे को डिस्प्ले करना है तो मैं इस तरह से मैं भी इस विथ कॉलम का इस्तेमाल करके मैं फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे रन करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे देखेंगे नेम आ रहा है, नेम नेम गलत क्यों आ रहा है, नेम की स्पेलिंग गलत है, ओके कुछ गड़बड़ है, केस सेंसिटिव तो होना नहीं चाहिए, ये फिर भी गड़बड़ दिखा रहा है। ठीक है भाई, केस सेंसिटिव है ये, मेरे को सिंपली केस सेंसिटिव है यार, नेम मैंने कैप्टन में डाला था, आप देखें केस सेंसिटिव है सिनेप्स का, थोड़ा सा केस सेंसिटिव है मेरे ख्याल से, कहीं कहीं पे केस सेंसिटिव है, कहीं कहीं नहीं है, शीशा तो एब्सोल्युटली केस सेंसिटिव है। आप ये देखिए, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, नेम करके देखा, आप देखें आईडी आ गई, नेम में आशीष ही पास सीपी रोहित की आ गई। इस तरह से मैं फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आप पार्केट फाइल में भी कर सकते हैं, आप शायद सीएसवी फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, और सीएसवी फाइल में भी आप अगर करना, ठीक है, तो सीएसवी फाइल का मैंने दिखा दिया आपको, इस तरह से आप पार्केट फाइल में भी कर सकते हैं। आपको सर्च क्या करना है यहाँ पे, ये ओपन रोसोर्स का यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ कोई भी ऐसी चीज़ें लग रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही, वो आप कमेंट करें किस तरह से आपको करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जिस तरह से देखा, यहाँ पे ये डाल के रखा है विथ कंट्री कोड, यहाँ पे डाला है, ये ऑप्शन भी मैंने फिल्टर का आपको दिखा दिया, इस तरह से फिल्टर करते हैं। बाकी बल्क ऑप्शंस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और दे सकते हैं किस तरह से डेटा आपको मिल रहा है। बाकी आप बल्क ऑप्शंस का भी डेटा दे सकते हैं किस तरह डेटा मिल रहा है। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में जहाँ पे कुछ और चीज़ जानेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर। म्यूजिक